नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीराम कुंजाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट VYT PG ऑटोनॉमस कॉलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज का मेरा टॉपिक है टिशू कल्चर मीडिया एंड देयर कंपोजिशन। नाउ व्हाट इज नीडेड फॉर अ प्लांट सर्वाइव इन नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर हम देखें कि पौधे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, उनको सर्वाइव करने के किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक बेसिक नीड्स होती है, उसमें वाटर, सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, एयर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशंस, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यूजली जो प्लांट्स है वो सॉइल से अपटेक करता है, और न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंकरेज सिस्टम जो रूट सिस्टम है, और उस सॉइल सिस्टम, सॉइल से जो प्लांट्स है वो नेचुरल एनवायरनमेंट से जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रीफ में व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक्स है जिसमें नेचुरल स्टराइल कंडीशंस में या स्टराइल इन्वायरमेंट में हम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके प्लांट्स के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और सीड्स से हम या अदर पार्ट ऑफ प्लांट से हम उसको ग्रो करा सकते हैं। टिश्यू कल्चर मीडिया बेसिकली मीडिया इज यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर कंटेन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, और ये न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स किसी भी कल्चर टिश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ और इसके डेवलपमेंट के लिए। और प्लांट टिश्यू कल्चर कल्चर में किसी भी कल्चर मीडिया का प्लांट्स के टिश्यू को सक्सेस के लिए कल्चर मीडिया बहुत डिपेंड करता है। अगर हम देखें कि फंक्शन उस मीडिया के क्या क्या फंक्शन होता है, तो वो मीडिया उस प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो बेसिक नीड्स है प्लांट्स को, उसको प्रोवाइड करता है विटामिन, बहुत सारे जो विटामिन हैं जो जो कल्चर मीडिया होती है उसमें प्रोवाइड इंग्रेडिएंट्स एज अ कंपोजिशन होता है उसका, वो वहां से प्रोवाइड करता है उसको। ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोवाइड करता है, एसेस टू एटमॉस्फेयर फॉर गैस एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ प्लांट मेटाबोलाइट वेट्स वेस्ट। तो चूंकि इन सारे आर्टिफिशियल हम कंडीशंस में किसी प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक कल्चर मीडिया में होती है, तो उस वो कल्चर मीडिया उस प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। जो मीडिया है वो दो टाइप के हो सकते हैं, सिंथेटिक मीडिया और नेचुरल मीडिया। सिंथेटिक मीडिया हम उसको कहते हैं जिसमें केमिकली डिफाइंड कंपोनेंट्स होती हैं किसी भी मीडिया का, उसको हम सिंथेटिक मीडियम कहते हैं। जैसे बहुत सारे सिंथेटिक मीडियम है, अगर अगर है, MS मीडियम है, NS6 मीडियम है ये। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसा मीडियम जिनमें केमिकली जो कंपाउंड्स हैं वो अनडिफाइंड होता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल मीडियम कहते हैं। जैसे वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स हो गए, फ्रूट जूस हो गए, कोई प्लांट पल्प हो गए, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मीडियम। अगर हम कंपोजिशंस की बात करें किसी भी कल्चर मीडिया का जो हम सिंथेटिकली ग्रो करा सकते हैं या सिंथेटिक मीडिया कहते हैं, और उन सिंथेटिक मीडिया में जनरली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा विटामिन और प्लांट हार्मोन्स होते हैं। लेकिन जो प्राइमरली अगर हम देखें कल्चर मीडिया का कंपोजिशन, तो वो डिपेंड करता है दो पैरामीटर्स पे कि हम किस प्रकार के, पहला है पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द प्लांट। हम किसी पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज के लिए हम अगर टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर मीडियम की आवश्यकता होती है। देन सेकेंड, टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर कल्चर। हम टाइप मटेरियल का टाइप्स क्या है, वो सेल हो सकता है, उसके टिश्यूज हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में हम मीडिया का सिलेक्शंस करते हैं। जो कल्चर मीडिया है वो दो तरह के हो सकते हैं, सॉलिड मीडिया हो सकते हैं और लिक्विड मीडिया हो सकते हैं। जो सॉलिड मीडिया में हम सॉलिडिफाइंग एजेंट्स डालते हैं, और लिक्विड मीडिया में सॉलिड सेमी सॉलिड डालते हैं, जिसमें सेमी सॉलिड होती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड मीडियम कहते हैं। अगर हम कंपोजिशंस की बात करें प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया का, तो बेसिक कंपोनेंट्स होती है प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम के लिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है। दूसरा है कार्बन सोर्स,
सोर्सेस, तीसरा है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हमको आवश्यकता होती है। उसके बाद ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स के बाद हम जेलिंग एजेंट्स, हम इन चीजों का एक नेचुरल आर्टिफिशियल मीडियम में इतने कंपाउंड्स होने चाहिए। ये जो चार्ट है अलग अलग सिंथेटिक मीडियम है उसके कंपोजिशन है। हम उसके बाद हम देखते हैं पहले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो दो प्रकार का से बना होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमको मोर देन 0.5 मिलीमोलर आवश्यकता होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत लेस अमाउंट्स में हम किसी भी इंग्रेडिएंट्स का कंपोजिशन कंसंट्रेशन वो हमको कम अमाउंट्स में आवश्यकता होती है। इनमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स डिसोसिएशन और आयनाइजेशन के काम में यूज होता है, और इसमें बहुत सारे जो मीडियम है एमएस मीडियम में हम अगर यूज करते हैं तो पोटेशियम आयन है, जितने भी आयन है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज होता है। सबसे पहले उसके बाद देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम क्या क्या हो सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नीड ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन हायर। किसी भी कल्चर मीडियम में हम आर्टिफिशियल कंडीशन में प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हायर अमाउंट्स में उसकी आवश्यकता होती है। इट इज द प्रेजेंट इन मिलीमोलार क्वांटिटीज में, हम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है मिलीमोलार में यूज करते हैं, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बोथ एनायंस और कैटायंस फॉर प्लांट सेल्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम देखते हैं, इसमें पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है पोटेशियम, चौथा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये अपने आयन के फॉर्म में नहीं होते, ये किसी किसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में यूज होते हैं, जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फेटेस के रूप में होते हैं, और पोटेशियम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो यूज होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैव अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, इसका सेल वॉल सिंथेसिस, एंजाइम्स, कोफैक्टर्स में और मेम्ब्रेन के इंटीग्रिटी में इसका फंक्शन होता है। अगर हम इसमें देखें एक एक पार्ट्स का, अगर हम इसमें यूज करना देखें हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम का। जो मैग्नीशियम है इसेंशियल फॉर एंजाइम रिएक्शंस और एनर्जी मेटाबोलाइट्स, एनर्जी मेटाबोलिज्म, और इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और मैग्नीशियम है किसी भी हम कल्चर मीडियम में डायरेक्ट मैग्नीशियम के रूप में इसमें नहीं यूज होता, हम जैसे जानते हैं कि वो एक कंपाउंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज होता है, तो टिश्यू कल्चर मीडियम में ये मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में इसका यूज होता है। दूसरा है कैल्शियम, इज ए कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, किसी भी प्लांट सेल प्लांट है उसका कैल्शियम प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, और एक कम से कैल्शियम फंक्शन विद डिफरेंट एंजाइम इज ए कोफैक्टर के रूप में काम होता है, और ये हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अगर इसकी कमी हो जाए तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड सूट टिप नेक्रोसिस। कैल्शियम है इंपॉर्टेंट इन सेल एंड रूट मल्टीप्लीकेशन में यूज होता है, और कैल्शियम का जो हम सप्लाई करते हैं किसी मीडियम में कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में यूज होता है। इसके बाद दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक इसेंशियल पार्ट है अमीनो एसिड्स, विटामिन, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का, और ये जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज किया जाता है, जैसे अमीनो एसिड्स के फॉर्म में डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स और केसिन हाइड्रोलेज के रूप में यूज किया जाता है, और नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ यूज्ड एज ए नाइट्रेट और अमोनिया। और नाइट्रोजन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल टिश्यूज कल्चर मीडिया, एंड ऑल्सो नाइट्रोजन हेल्प्स टू सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है आयरन, जिंक एंड मॉलिब्डेनम, ये सर्टेन एंजाइम्स का पार्ट होती है। इसके अलावा कल्चर मीडिया कंटेन्स एटलीस्ट 25 मिलीमोलर नाइट्रेट एंड पोटेशियम। सोर्सेस फॉर नाइट्रोजन इज मीडिया, इन मीडिया इज कंट्रीब्यूटेड बोथ नाइट्रेट एंड अमोनिया। दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन लेस
रिक्वायरमेंट ऑफ लेस क्वांटिटीज रिक्वायर्ड इन प्लांट्स. दिस इंक्लूड्स आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरान, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम. यूज्ड इन लेस अमाउंट, लेस देन 30 ppm. कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इन माइक्रोमोलर में यूज करते हैं हम. सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मॉलिब्डेनम का. मॉलिब्डेनम एक इन्वॉल्व्ड इन एंजाइमेटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया एंड सप्लाइड फॉर एज ए सोडियम मॉलिब्डेट के रूप में हम इसका यूज करते हैं. दूसरा है जिंक. जिंक प्लेज एन एक्टिव रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफेन. एक्टिव इन रेस्पिरेशन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस. जिंक इज सप्लाइड एज ए जिंक सल्फेट के फॉर्म में हम इसका कल्चर मीडियम में यूज करते हैं. दूसरा है बोरान. बोरान की बात करें अगर हम इसमें तो इन्वॉल्व इन डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में यूज होता है. ये हार्मोन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स. एक्टिव इन रेस्पिरेशन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस. सप्लाइड एज ए बोरिक एसिड के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट है कॉपर. कॉपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. इट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिटवीन फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू. कॉपर किसी मीडियम में हम एज ए कॉपर सल्फेट के रूप में इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट है कार्बन सोर्स. कार्बन सोर्स किसी प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल और टिश्यू के लिए कल्चर मीडियम में बहुत हेटरोट्रॉफिक नेचर की होती है और सेल्स एंड टिश्यू रिक्वायर्स एग्जोजिनसली सप्लाइड फॉर कार्बोहाइड्रेट टू रिप्लेस द कार्बन. हम किसी भी मीडियम में, कल्चर मीडियम में सुक्रोज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज ए कार्बन सोर्स. ड्यूरिंग द ऑटोक्लेविंग ऑफ द मीडियम सुक्रोज गेट हाइड्रोलाइज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. द प्लांट सेल इज कल्चर फर्स्ट यूटिलाइज ग्लूकोज एंड देन फ्रक्टोज. इन विट्रो प्रोपगेशन रेडियस में अगर हम देखें तो उसको 3-4% जो डेक्सट्रोज है कार्बन सोर्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव होती है. अदर कार्बोहाइड्रेट सच एज लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, रफिनोज एंड सिलोबायोज हैव बीन यूज्ड इन द कल्चर मीडिया बट विद अ वेरी लिमिटेड सक्सेस. नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो वह ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, फॉर एग्जांपल विटामिंस, एमिनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट, एक्टिवेटेड चारकोल्स और एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है. सबसे पहले हम देखें इसमें तो विटामिंस. प्लांट सिंथेसिस रिक्वायर्ड विटामिंस एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस. कल्चर्ड सेल आर कैपेबल टू प्रोड्यूस विटामिंस एट सेवरल लेवल्स. दे रिक्वायर एन एक्सोजिनस सप्लाई ऑफ डिफरेंट विटामिंस फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ. मोस्ट यूजेबल विटामिन आर यूज्ड एज थायमिन, पाइरिडॉक्सिन, निकोटीन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट है अमीनो एसिड. अमीनो एसिड्स स्टिमुलेट सेल ग्रोथ एंड हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल लाइंस. ग्लासिन इज मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड यूज्ड इन डिफरेंट कल्चर मीडिया. इट इज नॉट एसेंशियल बट नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड एनहेंस ग्रोथ एंड प्लांट रीजेनरेशन. डिफरेंट नाइट्रोजन, अदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यूज्ड एज सच एज ग्लूटामिन, एल एस्पेरेजिन, आर्जिनाइन आर यूज्ड इन एज ए अमीनो एसिड. नेक्स्ट वन इज एक्टिवेटेड चारकोल.
एक्टिविटी चारकोल इज यूज्ड एज डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स, डिटॉक्सिफाइज वेस्ट फ्रॉम प्लांट टिश्यूज एंड इम्प्यूरिटीज ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर मीडियम एंड ग्रोथ ऑफ कैलस, डेवलपमेंट ऑफ कैलस एंड रूट स्टिमुलेट एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कैरेट, कैरोट, टोमेटो एंड ऑर्किड्स. Some toxic compound produced by cultured plants are removed by the activated charcoal. Now, antibiotics necessary to aid antibiotics to the medium to prevent the different growth of different microorganisms for the purpose of low concentration of streptomycin or gamaxin are used in culture medium. Now, natural complexes. नेचुरल कॉम्प्लेक्सेस कोकोनट एंडोस्पर्म या हम इसको बोलते हैं नारियल पानी, पोटेटो अगार, प्रोटीन हाइड्रोलेट्स, टोमेटो जूस, एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्ट्स एंड माल्ट एक्सट्रैक्ट. देन ग्रोथ रेगुलेटर्स. व्हाट इज ग्रोथ रेगुलेटर्स? ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट सेल ग्रोथ रेगुलेटर्स आर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कल्चर्ड सेल एंड टिश्यूज. There are many classes of plant growth regulators used in culture media, involved namely auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid, and ethrinet, and many more. First, auxin induced root, cytokinin used for shoot productions, gibberellin enlargement of cells of in the tissue. Abscisic acid, plant stress hormone. Now, first, auxin is also used as auxin stimulates cell divisions and root differentiation in cultured cells. Also, induce cell elongation and formation of the callus in culture. Natural environment, जो auxins है हम टिश्यू कल्चर मीडियम में इंडोल 3 एसिटिक एसिड के फॉर्म में यूज किया जाता है या 2,4-D के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है. सेकंड, साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन, शूट प्रोलिफरेशन एंड इन्फ्लुएंस द सेल साइकिल, आल्सो प्रोड्यूस एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इनहिबिट ऑफ रूट फॉर्मेशन. Synthetic form is 2-IP, which is most active cytokinins. Advanced should like creatine and GRTN is mostly used in culture medium. Now, when the ratio of auxin and cytokinin is high, so the in culture medium. Embryogenesis, callus initiation and root initiation occur. For auxiliary proliferation and shoot proliferation, the ratio of auxin and cytokinin is kept in low concentrations. Now, next one is gelling agent, या हम इसको बोलते हैं solidifying agents कहते हैं. और सॉलिडिफाइड एजेंट्स में हम मीडिया को हम जब यूज करते हैं तो सेमी सॉलिड मीडिया या हम सॉलिड मीडिया यूज करते हैं. इसमें जेलिंग एजेंट्स के रूप में हम अगरोज का यूज करते हैं कल्चर मीडिया में. अगर इज दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, स्पेशली जेलेडियम अमानसी. अगरोज इज प्योर फॉर्म ऑफ अगार. इट इज कॉमनली प्रिफर्ड फॉर अगार फॉर प्रोटोप्लास्ट कल्चर. सब गोल इज जेलिंग एजेंट यूज इन बाय जैन एंड बाबर 2005. अदर प्लांट डेराइव्ड जेलिंग एजेंट्स नेमली कॉर्न फ्लोर, अरो रूट्स, कसावा पाउडर्स, ऑल दिस हैव बीन यूज्ड एज ए कॉस्ट इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट फॉर अगार. पीएच मीडियम, पीएच ऑफ द मीडियम. पीएच
इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कल्चर मीडियम. ऑप्टिमल पीएच ऑफ मोस्ट टिश्यू कल्चर इज इन द रेंज ऑफ 5 to 6. द पीएच जनरली फॉल्स बाई 0.3 to 0.5 यूनिट आफ्टर ऑटोक्लेविंग. बिफोर स्टरलाइजेशन पीएच कैन बी एडजस्टेड टू द रिक्वायर्ड ऑप्टिमल लेवल व्हाइल प्रिपेयरिंग द मीडियम. pH below 5 will not get gel properly and above pH 6 to be pH medium will be hard, too hard. At the pH higher than 0.7 and lower than 4.5, the plant cells stop growing in culture. Commercially used tissue culture media like white medium formulated by for root culture, BS5 medium developed by Gemberg in cell suspension culture and callus culture, N6 medium developed by Chu et al. It is used for in vitro and culture of Oryza sativa. NIST medium developed by NIST and NIST, used in vitro anther culture of Nicotiana. E medium used for culture of soybean, red clover and legume species. MS medium most popular medium used in tissue culture techniques. MS medium is Mudacid and Skook, developed in 1965 to induce organogenesis and regeneration of plants in cultured tissues. Contain desired salt composition and widely used. Chink and Heberland medium, it is used in vitro callus culture of monocotyledons and dicotyledons plant. Thank you.